पट्टी बना रहे हैं। ये जो रेसिपी है ना, ये है मेरी ननंद की रेसिपी। जब मेरी ननंद आती है ना बीकानेर से, तो ये मट्ठी लेके आती है, और बहुत ही ज्यादा स्पेशल मट्ठी है, तो उनकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आइए बनाते हैं बहुत ही स्पेशल बीकानेरी मट्ठी। ये जो मट्ठी है ना, ये दीदी बनाते हैं मैदे से। तो हमने ना आज सूजी का आटा बनाया है। ये देखिए, ये सूजी है। इस सूजी को अच्छी तरह से मिक्सर में पाउडर बना लिया, ये इस तरह से बन गया। तो हम मैदे की जगह ना इस सूजी के आटे को यूज कर रहे हैं। इसमें डालेंगे हम नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी अजवाइन, ये है पीसी हुई चीनी। इस मट्ठी की जो खासियत है ना, जो खास टेस्ट है, वो इस चीनी से होगा। तो आप दाने वाली चीनी भी डाल सकते हैं, मैं पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। और इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। चीनी थोड़ी सी और डाल दूँ मैं। ये हमारी मट्ठी बनेगी मीठी भी और नमकीन भी। सारा अच्छे से मिक्स हो गया। ये ऑयल है, इसको हमने अच्छे से गर्म किया है, मतलब उबाला नहीं है, थोड़ा गर्म किया है कि बस हमारे हाथ इस ऑयल को छू सके, गर्म है मतलब। और इसमें मिक्स करेंगे। कितना मिक्स करेंगे मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए, ये इस तरह का मोइन है ना, इन मट्ठियों में लगता है। इस तरह का मोइन हमने लगा दिया। अब हम इस मिक्सर का डो बनाएंगे मट्ठी के लिए। और पानी लेंगे हम गरम, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना। यदि हमें मैदे की मट्ठी बनानी होती है ना, तो हम आटे को रखेंगे एकदम टाइट, एकदम से। अब क्योंकि ये हमने सूजी ली है, तो सूजी को भीगने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम थोड़ा सा गीला रखेंगे इसको, और ये एकदम से टाइट हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए, क्योंकि ये सूजी है ना, इसलिए हमने इसको इतना गीला रखा है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना वैसा। और यदि ये मैदा होता तो हम एकदम से टाइट रखते। देखिए, हमने इसका आटा लगा दिया। अब हम गीले कपड़े से ना 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के बिल्कुल रख देते हैं। 10 मिनट हो गए और हम इस आटे को संभालते हैं। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा ना हम इस तरह से मठार लेंगे। ये देखिए, एकदम टाइट हो गया ये हमारा आटा है ना, ये देखो एकदम। इन मट्ठियों की ना एक खास बात ये भी है, इसे हम किसी भी तरह से रोल नहीं करना, ऐसे स्मूथ नहीं बनाना, एकदम रफली बेलनी है हमें। ये देखिए, ये देखो, ऐसे ऐसे आटा लिया सीधा और इस पर बेलन चलाया। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, रफली हम बेल रहे हैं इसको, मट्ठी को। बेलने के बाद ना हल्का सा फोक से ऐसे निशान कर देंगे, जिससे मट्ठी हमारी फूले नहीं। गरम होने के बाद ना हम तेल को बिल्कुल धीमी आंच पर कर देंगे, एकदम लो फ्लेम पर, और मट्ठियों को इस तरह से तेल में छोड़ देंगे। और बिल्कुल है ना धीमी आंच पर इन मट्ठियों को हम तलेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर ना मट्ठियों को हम निकालेंगे। ये देखिए, ऐसी मट्ठी ना हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से सारी मट्ठियों को हम तल लेंगे। ये देखिए, मठिया बन के बिल्कुल तैयार है। और ये मट्ठी है ना, इनको आप तोड़ोगे ना, ये देखिए बहुत ही शानदार मठिया सीखी है, बहुत ही ज्यादा एकदम से। ये देखो, कहीं से भी तोड़ लो, बहुत ही क्रिस्पी मठिया बन गई। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? है ना बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी नमकीन, बहुत टेस्टी लगेगी। आप ये मठिया बना के देखिएगा जरूर, बहुत ही सिंपल है, और सूजी की है ना, तो डाइजेस्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक अच्छी सी हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू।